मुख्यमंत्री कमलनाथ के माफिया राज के खात्मे के आदेश के बाद उज्जैन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर ने पुलिस दल पर हमला करने वाले 3 गुंडों के साथ हुई मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। एसपी ने इन पर 60,000 का इनाम घोषित किया था। तीनों को गिरफ्तार करने के लिए एसपी ने दल बल के साथ घेराबंदी की थी। उज्जैन के महांकाल थाना क्षेत्र के जवासिया रोड पर देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब जानकारी मिली कि पुलिस ने 3 गुंडों नितेश उर्फ खाऊ, करण उर्फ कालू, सूर्यवंशी और सोहन पटेल को महांकाल थाना क्षेत्र में हुई आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि पुलिस ने इन तीनों बदमाशों के हाथ व पैर में गोली मारी और उन्हें उज्जैन से इंदौर के MY अस्पताल में रेफर किया है। इस मुठभेड़ का नेतृत्व खुद SP अतुलकर ने किया था। कुछ पहले थाना नीलगंगा क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा हत्या का प्रयास का के प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें 3 प्रकरण नीलगंगा थाने में दर्ज हुए थे। उसके बाद से ही जो मुख्य आरोपी प्रकरण के थे वो फरार थे। पुलिस द्वारा उनकी लगातार पतारशी और तलाश की जा रही थी। आज ये पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि इंदौर से जो मुख्य आरोपी हैं प्रकरण के, वो उज्जैन आने वाले हैं। इसी को देखते हुए 5 अलग अलग टीमें बनाई गई पुलिस द्वारा। चूँकि जो घटनाक्रम पहले हुए थे उसमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो आरोपी हैं इसमें उनके पास हथियार भी हैं काफ़ी तादाद में, और उसी को देखते हुए 5 पुलिस पार्टी बनी और उनका जिस स्थान पर आने की संभावित सूचना थी वहाँ पर सर्चिंग पुलिस ने प्रारंभ करी। सर्चिंग के दौरान एक कार रोड पर खड़ी दिखी जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। पुलिस ने उसको देखते हुए उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। धर्म बड़ला से जवासिया रोड है वहाँ पर, और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जब पुलिस सर्चिंग के लिए आगे बढ़ी तो कार में जो व्यक्ति था उसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। फायर की आवाज़ होते ही पीछे एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना था, वहाँ से भी फायरिंग चालू हो गई। पुलिस द्वारा जो है आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 3 जो है बदमाश घायल हुए। रविवार रात पुलिस को जानकारी मिली थी कि तीनों गुंडे जवासिया रोड पर है। पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को पकड़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने तीनों को ललकारा, लेकिन पुलिस पर हमला कर तीनों भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने तीनों गुंडों के हाथ व पैर में गोली मारी। तीनों को उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया जहां से इंदौर रेफर किया गया। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। ये तीनों जो प्रकरण नीलगंगा में हुए थे पूर्व में, उसके आरोपी हैं फरार, और इनके ऊपर काफ़ी तादाद में पूर्व के मामले भी दर्ज हैं। कुछ समय पहले ही ये रासुका से छूटकर भी आए हैं और लगातार उसके बाद भी अपराध घटित कर रहे थे, और तीनों पे इनाम भी घोषित है। पुलिस द्वारा तत्काल ही उनको हॉस्पिटल लाया गया और वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं, चूँकि गिरफ्तारी के लिए आरोपियों को जब ललकारा गया तो उनके द्वारा फायर खोल दिया गया था, और जब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया उसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई। बात हुई है, उनके द्वारा कहना है कि इनको इंदौर रेफर किया जा रहा है। नितेश कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था और सोहन व करण के साथ मिलकर 1 जनवरी को जन्मदिन की पार्टी में जमकर उत्पात मचाया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया था, साथ ही अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पुलिस ने नितेश उर्फ काऊ पर 60,000 का इनाम घोषित किया था। 2 दिन पहले ही एक आरोपी का मकान भी तोड़ दिया गया था।